नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है, ऐसे में विपक्ष के द्वारा आज बिहार विधानसभा के अंदर शिक्षक के मुद्दे को लेकर आवाज बुलंद किया गया, और जिसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनकी बात सुनी और जो टाइमिंग में जो किया गया था फेरबदल 9 बजे से 4 बजे तक, उसे अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कह दिया है कि 10 से 4 होगा। लेकिन तमाम विपक्ष हैं जो बिहार विधानसभा से बाहर निकल गए और साफ तौर पर के पाठक पर बरस रहे हैं और कह रहे हैं कि के पाठक को पहले निलंबित करिए। क्या कुछ कर रहे हैं जो विपक्ष के नेता हैं, जो तमाम विपक्ष के नेता हैं, जो भाई वीरेंद्र और महबूब आलम, पहले सुनिए उनकी बातों को। विपक्ष के द्वारा लाया गया था और कार्य स्थगन में सारे विपक्ष के माननीय जो नेता हैं उनका हस्ताक्षर युक्त था। जो टीचर सेट मामला जुड़ा हुआ था और विद्यालय से जुड़ा हुआ था, बच्चों से जुड़ा हुआ था, और उनके जो SES के पाठक जी हैं शिक्षा विभाग के, मंत्रिमंडल में निर्णय हुआ कि 10 से 4 करना है और माननीय मुख्यमंत्री का निर्देश वो नहीं मान पाए, और आज जब कार्य स्थगन लाया गया उस मामले को लेकर कि टीचर पर दंडात्मक कार्रवाई कर रही है और जो आपने निर्देश दिया था उसका अनुपालन नहीं हो पाया है, और इस मामले को जब मैंने उठाया और माननीय मुख्यमंत्री को मैंने कहा कि आप यहाँ बैठे हैं सदन में और आपकी बात पदाधिकारी नहीं मानते, आप उन पर कार्रवाई कीजिए, तक्षण वो खड़े होकर उन्होंने कहा कि आज मैं जाता हूँ और आज मैं आदेश देता हूँ, आज से पालन होगा कि 10 से 5 होगा, तो फिर आप अचार 10 से 4 होगा। आपकी बात को जब पदाधिकारी नहीं मान रहे हैं तो हम मांग करते हैं कि उस पदाधिकारी पर निश्चित रूप से कार्रवाई हो, उसे निलंबित किया जाए जो सरकार की बात और कैबिनेट की बात नहीं मानता हो। जहां तक ध्यानाकर्षण हमारे विपक्ष के द्वारा लाया गया था और शासन जो बैठे हैं आसन पर और 3 आदमी 4 आदमी जितने लोग इस पर हस्ताक्षर करते हैं उनको अधिकार है, और ये सदन का मामला हो जाता है, जो हस्ताक्षर करते हैं उनका मामला हो जाता है, उन्हें भी उठाने का अधिकार है। लेकिन जिस तरह से वृद्धा पेंशन 400 रुपया ही दिया जाता है, नहीं आप ज्यादा देना चाहते हैं तो आपके देश में ही अन्य जगहों में जैसे केरल में 2000 दिया जाता है, हमने 3000 मांग करने का काम किया है कि आज के दिन में जितनी महंगाई है 3000 भी कम है, लेकिन 3000 सरकार को वृद्धा पेंशन देना चाहिए ताकि उनका अधिकार है। आप तो किस तरह से आप सरकार चला रहे हैं लोग भी देख रहा है, और आप किससे इसलिए हम आप रूबरू होते हैं कि आप हमारी बातों को जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। हमने जो मांग किया है और शिक्षकों के लिए जो मांग किया है उसके बारे में भी आप बताने का काम करेंगे कि जिस तरह से शिक्षकों पर दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है ये दुर्भाग्यपूर्ण है और हम उसका विरोध करते हैं। इन्हीं बातों को रखने के लिए आपके सामने हम आए। आज हम लोगों ने प्रतिपक्ष ने मिल करके शिक्षा की बदहाली, नियोजित शिक्षकों को अपमानित, प्रताड़ित, लांछित करने का के पाठक का जो तानाशाही रवैया है उसके खिलाफ हम लोगों ने संयुक्त रूप से कार्यस्थगन प्रस्ताव दिया था। कार्यस्थगन प्रस्ताव के दौरान जब बातें होने लगी तो माननीय मुख्यमंत्री ने अपने तरफ से आश्वस्त किया कि जो 9 से लेकर के 4-5 बजे तक स्कूल का पीरियड किया गया है इसे 10 से लेकर 4 बजे तक किया जाएगा, और हम लोगों ने मांग की कि जब आपकी घोषणा का अनुपालन नहीं हो रहा है तो ऐसे माने पदाधिकारी को बिल्कुल बर्खास्त किया जाना चाहिए। साथ साथ अभी इस वक्त हम लोगों ने कार्यस्थगन ध्यानाकर्षण दिया। ध्यानाकर्षण का मुद्दा आप लोग भी देख रहे, जरा सा सुन ले। सामाजिक सुरक्षा पेंशन एक बुनियादी मानवीय अधिकार है जिसे 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा मानव अधिकार घोषणा में मान्यता दी गई है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 अपने नागरिकों को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार प्रदान करता है। उपरोक्त संवैधानिक अधिकार के तहत बिहार सरकार द्वारा 60 वर्ष तथा 80 वर्ष से ऊपर के नागरिकों को प्रतिमाह क्रमशः 400 और 500 रुपया सामाजिक सुरक्षा पेंशन दिया जाता है। 80 के दशक में पेंशन की जब शुरुआत हुई थी 50 रुपये से,
तब से अब तक मुद्रा स्फीति की दर 50 गुना बढ़ी है। खाद्यान्न तथा आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं की कीमत में 100 गुना वृद्धि हुई है। ऐसे हालत में लोक हित में हम लोग मुद्रा स्फीति महंगाई के मद्देनजर वृद्धजनों को न्यूनतम 3,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन प्रदान करने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान हमने आकर्षित किया, लेकिन हमारे ध्यान को दरकिनार कर दिया। आज की तारीख में आप जानते हैं कि 400 रुपया में सुबह शाम 2 कप चाय नहीं मिलती है, और जिस तरह से श्रमिक वर्ग ने इस देश के निर्माण को के लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद की और पूरी ज़िंदगी उन्हें कम खाना मिला, पोषाहार नहीं मिला, 60 वर्ष की अवस्था आते आते उसका शरीर जर्जर हो जाता है, वो 10 मकान में चल के पैदल भीख नहीं मांग सकता है, ऐसे हमारे जो वृद्धजन हैं ये अभिशप्त जीवन जीने के लिए बाध्य है। इनकी अभिशप्त जीवन जीने से उसको मुक्त करने के लिए, गरिमापूर्ण जीवन निर्वहन के लिए हम लोगों ने मांग की कि इन्हें 3,000 रुपया न्यूनतम वेतन दिया जाए ताकि सम्मान जीवन जी सके और भारतीय संविधान का अनुपालन हो। लेकिन हमारे जो साथ जो हमारे प्रश्नकर्ता थे, हमारे हस्ताक्षरकर्ता हैं अरुण सिंह और गोपाल रविदास, जिनको पूरक पूछने का अधिकार था, इस अधिकार से हमारे जो माननीय अध्यक्ष महोदय ने वंचित कर दिया और निर्ममता से हमारी मांग को ठुकरा दिया। इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए तमाम प्रतिपक्ष ने बहिष्कार किया सदन का, और आपके माध्यम से जनता का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। आप लोगों का भी ध्यान आकर्षित करता है कि किसी भी हालत में किसी भी तरह से डबल इंजन की सरकार को 3,000 रुपया पेंशन देना होगा। किस बात की समझौता हुई, किस क्यों आपने पलटी मारी, क्यों जनता के साथ विश्वासघात किया, आपने क्यों जो चिरलंबित मांग है जो विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज अब तक क्यों नहीं दिया गया, इन्हीं मांगों को लेकर के हम लोगों ने बहिष्कार किया। बहुत तो आपने सुना, साफ तौर पर उनका कहना है कि जो ध्यान आकर्षित किया गया है शिक्षा के मुद्दे को लेकर, उसमें तो जो टाइमिंग में उसमें बदलाव किया गया, लेकिन जो के पाठक हैं वो सरकार की बात नहीं सुनते और अपने मनमानी फरमान जारी करते हैं, उन्हें अविलंब निलंबित किया जाए। तमाम खबर बने न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार।